हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिमानी शर्मा आर्ट एंड क्राफ्ट चैनल। आज हम दिया स्टैंड बनाएंगे, वो भी वेस्ट मटेरियल के साथ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ मैंने एक राउंड शेप का कार्डबोर्ड लिया है और उसको हम जो किनारा है पेपर टेप से पूरा कवर कर लेंगे। तो आप किसी भी शेप का कार्डबोर्ड ले सकते हैं और किसी भी साइज का ले सकते हैं। मेरे पास राउंड शेप थी तो मैंने इसी का यूज कर लिया। किनारे हमने इसके बाइंड कर दिए हैं और इसके बाद हम लेंगे एक्रेलिक कलर। यहाँ पर मैं रेड कलर का यूज कर रही हूँ इस पूरे कार्डबोर्ड को बेस कलर देने के लिए। बहुत अच्छे से हमें पूरे कार्डबोर्ड पे कलर कर लेना है और इसके किनारों पर भी करेंगे हम कलर और बैक साइड में भी। तो पूरा हमारा जो कार्डबोर्ड है इसको बहुत अच्छे से हमें कलर से फिल कर लेना है। सो गाइज, जब तक आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे क्या है कि हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने जो दशहरे पे कुलिया इस्तेमाल होती हैं उनको लिया है। ये मेरे पास एक कुलिया रखी थी जिस पर वाइट कलर पहले ही हुआ हुआ था। यहाँ पर मैं रेड कलर का ही यूज करूंगी। तो जैसे हमने बेस कार्डबोर्ड पे किया है ऐसे ही हम पूरे अपने छोटे से पॉट को कलर कर लेते हैं। और एक है हमारा ये दिया। दिया मेरे पास स्क्वायर सी शेप का था तो मैंने उसी के डिजाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिजाइन दिया है। ये जो शेप थी इसमें मुझे एक स्वास्तिक नजर आ रहा था तो मैं यहाँ पर जो कलर करने वाली हूँ इसी तरह से करूंगी कि मेरा वो स्वास्तिक हाईलाइट हो जाए। आपके पास जो भी दिया है आप उसी के अकॉर्डिंग कलर कर सकते हैं और उसको डेकोरेट कर सकते हैं। दिस इज जस्ट एन आइडिया। हम सिर्फ आइडिया शेयर करते हैं और आपके पास जो भी मटेरियल अवेलेबल है, जो भी डिजाइन अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्वास्तिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट मैं येलो कलर का यूज करूंगी तो जो इसका दूसरी वाली साइड का एरिया है इसको मैं येलो कलर का बॉर्डर देती हूँ। रेड और येलो कॉम्बिनेशन वैसे ही बहुत सुंदर लगता है और साथ ही साथ ये रेड और येलो कलर का जब हम फेस्टिव सीजन में यूज करते हैं तो वो और ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। आपको कौन सा फेवरेट कलर है और आप सबसे ज्यादा किस कलर का यूज करते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सो नेक्स्ट, जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पर भी इसी की शेप के अकॉर्डिंग हम येलो कलर फिल कर लेते हैं। थोड़ा कलरफुल दिया हमें बनाना है और दिए के अंदर हम सिर्फ डिजाइनिंग बहुत लाइट देंगे, बिल्कुल डिजाइनिंग देंगे ही नहीं, सिर्फ कलर से फिल करने वाले हैं। तो ध्यान से देखते जाइएगा, उसी से हमारा जो दिया है बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। नेक्स्ट हम ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे बेस कलर हमने ले लिए हैं ग्रीन, येलो और रेड। और अभी से ही मेरे को ये दिया बहुत सुंदर नजर आ रहा है। आपको अब तक का प्रोसेस कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही ऊपर आई बटन पे और एंड स्क्रीन पे कुछ मैंने वीडियोस के लिंक शेयर किए हैं हमारी दिवाली से रिलेटेड DIY के, उनको भी देखना भूलिएगा नहीं। तो यहाँ कार्डबोर्ड शीट के चारों तरफ हम लेस पेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा वर्क हमें नहीं करना है, छोटे छोटे से हमें वर्क करने हैं और उसी से हमारा जो इस दिया का स्टैंड है बहुत ब्यूटीफुल लगता है और साथ ही हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अच्छे से हमने लेस को पेस्ट कर लिया है। इसका जो कॉर्नर है यहाँ पर भी हम ग्लू लगा के इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो हमने पॉट लिया था यहाँ पर भी मैं सिमिलर लेस को यूज कर रही हूँ सेंटर में और जो दूसरी लेस है उसको टॉप पर और नीचे यूज करेंगे। तो हमारे पास तीनों जो बॉर्डर्स हैं वो लेस से कंप्लीट हो जाएंगे। तो सेंटर पॉइंट मैंने कंप्लीट कर लिया है और ऊपर टॉप वाले पार्ट पर मैं दूसरी लेस लगाऊंगी और यही लेस मैं नीचे वाले पार्ट पर लगाऊंगी। देखिए इस तरह से हमारा पॉट रेडी हो गया है। इसके बाद अब हम टोटल वर्क के लिए यूज करेंगे मिरर्स का। ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप के मिरर्स हैं तो जो शेप मेरे पास अवेलेबल है उन्हीं का यूज करके अब हम अपने इस दिवाली DIY को कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी जो प्लेट है जिस पर हमने पॉट रखना है उसको डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये डायमंड शेप का मिरर है, इसको मैं चारों साइड इक्वल डिस्टेंस लेते हुए पेस्ट कर लेती हूँ।
नेक्स्ट ये जो हमारी डायमंड शेप है इसके जो सेंटर वाला पॉइंट है यहाँ पर भी हम मिरर पेस्ट करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर पत्ती वाली शेप की छोटे मिरर्स थे, उनको पेस्ट करके हम इस सर्कल को कंप्लीट कर लेंगे। वाओ कितना सुंदर और अट्रैक्टिव लग रहा है। अब आते हैं हम अपने पॉट की तरफ। तो यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा भर भर के कुछ नहीं लगाना है, तो यहाँ पर भी मैं डिस्टेंस देते हुए डॉट्स लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं राउंड शेप के मिरर्स पेस्ट कर रही हूँ। इसके बाद मुझे बीच वाला प्लेस थोड़ा सा खाली लग रहा है, तो यहाँ पर ड्रॉप शेप के मेरे पास मिरर थे जिनका यूज करके हम इन सारे गैप्स को फिल कर लेते हैं। तो आप किसी और शेप का मिरर भी बीच में लगा सकते हैं। ये पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। देखिए ये पार्ट हमने इसीलिए कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम अपना दिया डेकोरेट करते हैं। तो दिया मैंने जो दिया है ये शेप दी है स्वास्तिक की, और देखिए रेड कलर का स्वास्तिक कितना सुंदर लग रहा है। तो यहाँ पर ये जो डिजाइन बना हुआ था इसमें एक एक बीच में गैप देते हुए ड्रॉप शेप का ही मिरर मेरे पास था, उसको लगाते हुए मैं इस स्वास्तिक को कंप्लीट कर लूंगी। सो गाइस वीडियो का अगर आपको पसंद आ रही है तो उसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह का यूजफुल कंटेंट आपको चैनल पर मिलता ही रहेगा। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा जो स्वास्तिक है कितना सुंदर लग रहा है, और हमारा दिया ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सब चीजों को अरेंज कर लेते हैं। तो हमारी जो प्लेट है उस पर हमने रखा है अपना पॉट, और पॉट के ऊपर हम रखेंगे अपना दिया। दिया आप चाहे तो पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप दिया बदल बदल के भी लगा सकते हैं, तो आप पेस्ट मत कीजिएगा। सो हियर इज द फाइनल लुक। ये देखिए हमारा दिया स्टैंड कितना सुंदर निकल कर आया है। तो अगर आपको ये दिया स्टैंड पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमऑन गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब और लाइक से मिलता है हमें मोटिवेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम हो जाते हैं रेडी, तो इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।